धार्मिक मुद्दों से लेकर शिक्षा के मुद्दों तक राजधानी भोपाल इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कहीं महाकाल के शाही सवारी से शाही शब्द हटाने की मांग उठ रही है, तो कहीं स्कूल में पढ़ाई न होने से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं कोई निस्वार्थ भाव से बच्चों में शिक्षा बांट रहा है। ये दो तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं। पहली तस्वीर सरोजनी नायडू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है, जहाँ छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और क्लास में तोड़फोड़ की। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में न ही अच्छी पढ़ाई है और न ही अच्छी व्यवस्था और न ही साफ सफाई, तो कभी 5 मिनट लेट पहुंचने पर भी दंड दिया जाता है, तो कभी कूड़े कचरे उठाए जाते हैं, जिसके बाद क्लास में ही जमकर तोड़फोड़ की और सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी कर, छात्राओं का विरोध प्रदर्शन इतना उग्र था कि मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरोजनी स्कूल में अभी पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ बच्चों की मांगे हैं, जिसको लेके थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आ गया है, तो इस पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और बच्चों को पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है और समन्वय स्थापित किया जा रहा है स्कूल प्रशासन के। दूसरी तस्वीर भोपाल के विजय अय्यर और उनके दो पहिया गाड़ी विजय रथ की है, जो एक तरह से चलता फिरता स्कूल की तरह है, जिसमें बच्चों के लिए ढेरों किताबें, ड्रेस और जूते होते हैं, साथ में दरी और प्रोजेक्टर। जहां बच्चे जुट जाए वहां क्लास शुरू कर देते हैं। हालांकि विजय पेशे से मैकेनिक है, पर अपने काम से समय निकालकर बस्तियों के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। विजय सिर्फ घूम घूम कर पढ़ाते ही नहीं, बल्कि बच्चों को अलग अलग तरीकों से स्कूल जाने और पढ़ाई के लिए जागरूक भी करते हैं और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कॉपी किताब भी देते हैं। मेरा प्रोफेशन में पेशे से मैकेनिक हूँ, मैंने इंजीनियरिंग भी करा है और कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मदद करी। इस दौरान क्या है, मेरा संपर्क आदरणीय दादी सरस्वती भवानी जी से हुआ और उनको बच्चों को पढ़ाने का शौक था। वो पूर्व में सीआरपी में रह चुकी और वर्तमान में मुंबई में निवास करती है, तो उनको था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एजुकेशन से जुड़े। उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा जो मिशन है माता सरस्वती एजुकेशन मिशन संचालित है। इस मिशन के माध्यम से विगत 3 वर्षों के दौरान 3000 से अधिक बच्चों डिजिटल एजुकेशन से जुड़ा है। साथ ही साथ भोपाल शहर में 60 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके मैं बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करता हूँ और एजुकेशन एक्सप्रेस रथ के माध्यम से बच्चों के लिए मूलभूत के संसाधन स्टेशनरी हो गए, उनके लिए कपड़े हो गए, उनके लिए बैग हो गया, शूज हो गए, इन सब की भी व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ इसमें प्रोजेक्टर भी लगा हुआ, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित किया जाता है। एक ही शहर की ये दो तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है और खामोशी से चीख चीख कर शिक्षा व्यवस्था में सुधारों को और बेहतर करने की मांग कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।